हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी जा रही हूँ मैं अपने उस वाले घर, और अभी मैं सोच रही हूँ घर के अंदर जाने से पहले ना खेतों में हो लूँ, फिर ही जाऊँ। और मम्मी जी भी खेतों में ही जा रही हैं तो साथ में ही चली जाऊँ। कहाँ पे डली मेथी? इसमें मेथी डली है। हाँ जी, और पालक भी यही में डली, पालक जिवाली क्रिया में पालक ज्यादा कर सही है। इसमें पूरे में मेथी है, जाने की मेथी बाम पूरी में लहसुन लगा रही। और वो वाली जो पीछे के आ रही है वो बाम लहसुन लगा। अच्छा, लहसुन लगाओगी इसमें? इनमें आलू है? आलू धरता है, अभी धरेंगे आलू का। और अभी धरेंगे, अभी दिख जाओ में धरेंगे तो नहीं है। और इस साइड जो छोटी क्यारी बनाई थी उसमें मम्मी ने धनिया के बीज डाल दिए हैं, और जो छोटी छोटी सी दो और बनाई है उसमें एक में पालक के बीज और मेथी, और सबसे पीछे वाली में लहसुन लगाएंगे। अभी लहसुन मिट्टी में गपाए जाएंगे। और एक साइड आलू की क्यारियाँ भी हैं जो लंबी लंबी हैं, वो आलू हैं, उनमें तो पानी दे भी दिया गया है। बाकी में सारी क्यारियों में पानी दिया जाएगा। और ये देखो बेर का पेड़ लगा हुआ है, इसमें बहुत सारे बेर लगे हैं, अनगिनती के बेर लगे हुए हैं, पर सारे कच्चे हैं अभी। और यहाँ पर डुग्गू चाचा जी के साथ में खेल रहा है अपने, और वो ना अभी थोड़ा गुमसुम है। जब इसकी पहचान अच्छी से हो जाती है तो बहुत ज़्यादा खुश रहता है फिर तो। और अब मैं पहुंच गई हूँ घर, चलिए चलते हैं, आपको मिलवाते हैं अपनी देवरानी से। ये देखो प्रिया और छोटी मामी की चल रही है गपशप, और कल ही आई है शीतल, कल ही आई है अपने मायके से। क्या कर रही हो प्रिया? मामी को क्या दिखा रही हो? और ये कल ही आई है अपने मायके से और काफी थकान हो गई थी, अभी आराम कर रही थी। मैं आ गई हूँ ना तो काफी दूर पड़ जाता है, मुरैना से भी आगे है, मुरैना से आगे अम्भा, तो यहाँ से मुरैना ही दूर पड़ जाता है, फिर आगे और अम्भा पड़ जाए, तो इस वजह से काफी थकान हो रही होगी कल ही। और घर पे सब बढ़िया? बढ़िया है। मम्मी वगैरह सब ठीक है? ठीक है। और दादी की तबीयत पहले खराब हो गई थी, ठीक है? ठीक है। और वीडियो कॉल पे तो बात होती रहती थी तुम्हारी और मेरी, और वो क्या नाम उसका, रचना है ना, उससे भी डेली होती थी। इनकी एक छोटी सिस्टर है, सच में बहुत ज़्यादा फनी है, इतना ज़्यादा हम लोग हंसी मजाक वीडियो कॉल में करते रहते हैं कि मतलब ये नहीं रहते कि बड़ा है क्या छोटा है, बिल्कुल हम लोग बच्चे बन जाते हैं, ऐसे बातें करते हैं आपस में। और शीतल से मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो जाओ, तो कह रही है नहीं आप लोग बैठी हो, तो मैंने कहा नहीं तुम सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही है। और यहाँ पर मम्मी ने आज चना फ्राई किए थे तो वो ही दे रही थी कि लो खा लो। एक बड़ा बर्तन और ले लेते, ये तो छोटा है, बांट वाला भगवाना दे दो इन्हें। ये देखो कितना छोटा बर्तन लिए है।
अब बदल लिया बर्तन। और ये देखो वो तुलसा का घिरुआ बना दिया है मम्मी ने ईंटों से, फिर इसके ऊपर पलस्तर हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। और हाल फिलहाल के लिए आंगन में ही धनिया लगा दी थी तो खाने लायक इसमें से तोड़ लेते हैं सब्जी वगैरह में डालने के लिए। ये हैं मिर्ची के पौधे, फिर तो खेतों में ही हो जाएगी धनिया, तब तक ये वाली धनिया काम चला देगी। और यहाँ पर मम्मी जी जो शीतल की साड़ियाँ हैं वो निकाल के उनके ब्लाउज सिलाने के लिए निकाल के रखी हैं कि कौन कौन सी साड़ियों के सिला लें, क्योंकि शादी के टाइम 2-3 साड़ियों के ही ब्लाउज सिले थे और बाकी की जो चढ़ाई की साड़ी थी वो सारी अभी बाकी हैं सिलाने के लिए, उनके ब्लाउज अभी नहीं सिले हैं। तो वही साड़ियों को देख रही थी कि कौन कौन सी का निकाल लें सिलाने के लिए ब्लाउज। और मोनू भैया गए थे मार्केट तो वहाँ से ये सब्जियाँ वगैरह लेके आए थे, तो वो सारी पॉलीथीन से निकाल कर मैं डलिया में खाली करके रख रही थी। और अभी मैंने पॉलीथीन से वैसे ही निकाल के रख दिया है, फिर सब इकट्ठी धुलूंगी, अभी मैंने धुली नहीं है। और मम्मी जी ने आज गेहूं धुल के डाले थे ऊपर छत में तो वो ही समेटने थे। ये कल धुले गए थे, कल की धूप भी इनमें लग गई है, थोड़ा बहुत उनमें सूखने की थोड़ा बहुत कसर थी तो आज डाल दिए गए थे, तो आज की धूप भी लग गई है तो अब तो अच्छे से सूख गए हैं, तो वही उठाने आई थी। यहाँ पर मैं गेहूं फटक रही हूँ। वैसे तो ये वाले गेहूं धुलने के बाद में बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि पीसन कर दिया गया, धोने के बाद में इसमें बिल्कुल ना तो कूड़ा मिट्टी कंकड़ कुछ भी नहीं है। जैसे कोई गेहूं ऐसे होते हैं कि धो दो उसके बाद में भी बहुत साफ़ करने पड़ते हैं, फटकने छानने पड़ते हैं, इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं फटक ले रही हूँ कि अगर थोड़ा बहुत भी कूड़ा हो वो निकल जाए। और वैसे तो ऐसे लग रहे हैं कि बगैर पीसन किए हुए ही जैसे पीसन कर दिया गया हो। और यहाँ पर मैं प्याज टमाटर हरी मिर्च लहसुन ये सब काट के तैयार कर रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है सबके लिए मैगी। और ये यहीं दुकान से ही 4-5 पैकेट मैगी ले आए हैं तो मैं बनाऊँगी मैगी। और मम्मी कह रही थी कि भगोनी में ही बना लो, कढ़ाई वो मोटी है ना एकदम, तो बहुत देर तक उसको गर्म करना पड़ता है तब कहीं जाके उसमें कोई चीज़ पकती है, पहले उसको 10-15 मिनट गर्म करो, काफ़ी वैसी है मोटी है इस वजह से। और यहाँ पर मैंने डाल दी है जो सफल मटर रखी हुई थी वो भी डाल दी है। ना जब मैं मैगी बनाती थी तो मम्मी जी तो खा लेती थी और पापा जी कहते थे क्या है मुझे नहीं अच्छा लगता, केंचुआ जैसा ऐसे बोला करते थे, लेकिन अब उन्हें मैगी पसंद आने लगी है। एक आध बार उन्होंने खा के देखी है ना तो उन्हें फिर अच्छी लगने लगी, पहले नहीं खाया करते थे, अगर दिया जाता था उनको मैगी खाने को तो रिटर्न कर देते थे कि तुम ही खा लो। तो मम्मी कहती थी हमें तो अच्छी लगती है, पता नहीं इनको क्यों नहीं अच्छी लगती। मैंने कि अब जब वो खाने लगेंगे ना तो उन्हें भी अच्छी लगने लगेगी, लेकिन अब पापा जी को मैगी बहुत अच्छी लगती है तो फिर उन्हीं की वजह से बना रहे हैं।
और अब हो चुका है गाय भैंस की सानी का टाइम। तो यहाँ पर जो डेगचा है ना, डेगचा भर के बाट बनता है, पहले भगोना में बनता था, भगोना में भी बन जाता है, कभी कभार डेगचा में भी बन जाता है, ये बड़ी सी जो है इसी में बनता है। तो इसमें सबके लिए हो जाता है थोड़ा थोड़ा सानी में डालने के लिए। और भैंस अपनी सानी खा चुकी है, तो यहाँ पर मम्मी दूध काढ़ रही हैं और ये बोल रहे हैं मम्मी से कि आज मैं भी दूध काढ़ के देखूँगा भैंस का, कि मैं दूध काढ़ पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि ये सानी पानी ये सारा काम तो कर लेते हैं वैसा ऊपर का जितना भी होता है, पर भैंस का दूध काढ़ना अभी इतने अच्छे से नहीं जानते हैं। कभी कभार वैसे मम्मी लोग कहती हैं कि बैठ जाओ सीखो, तो अब ये कह रहे हैं लाओ आज मैं काढ़ के देखूँगा। तो पापा जी बोल रहे थे कि कहीं वो चेक ना जाए, भैंस तो जितना दूध दे रही है वो भी नहीं देगी, तो थोड़ा बहुत ऐसे तो काढ़ लेते हैं, ऐसे धीरे धीरे सीख जाएंगे। और आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक यूँ ही पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।